Great stop, Preeti. Very good stop. Well done. Well done. Damn, yeah. नेहा यार तूने बॉल क्यों नहीं पास की? I'm so sorry. मुझे लगा वो लोग तेरे को घेर के खड़े तो तू बास्केट नहीं कर पाएगी. मौन नेहा, I'm Tina. 10 लोग भी मुझे घेर के खड़े रहेंगे ना तो भी मैं बास्केट कर दूँगी. I'm sorry. चल कोई बात नहीं. अब मजा चखाते हैं. वैसे let's go. Move. ये चीटिंग है. चीटिंग? चीटिंग? कौन सी चीटिंग? हाँ तो मेरी बास्केट रोक नहीं पाई तो उसे चीटिंग का नाम दे रही है. एक्सक्यूज मी, तुमने बास्केट करने से पहले बॉल को 5 सेकंड से ज्यादा हाथ में रखा जो गेम के रूल्स के खिलाफ. ओह या, अब तू मुझे गेम के रूल्स सिखाएगी? तू मुझे गेम के रूल्स ना ही सिखाना तो ही अच्छा है. जब तेरे दूध के दांत भी नहीं गिरे थे ना तब से खेल रही हूँ मैं बास्केटबॉल, समझी? ए तू संभाल संभाल कर बात कर, ये मत भूल कि मैं इस टीम की कैप्टन हूँ. टीम की कैप्टन है तो क्या धौस जमाएगी? अगर तू इस टीम की कैप्टन है तो मैं भी इस टीम की बेस्ट प्लेयर हूँ, समझी? कम ऑन यार गर्ल्स, हम लोग एक ही टीम के लिए खेल रहे हैं ना, इस तरह झगड़ा करना अच्छा लगता है क्या आपस में? कम ऑन लेट्स प्ले यार. नेहा यार तू ये बात इस बंदरिया को क्यों नहीं समझाती? क्या बोला तूने मुझे? बंदरिया? हाँ बंदरिया कहा. बंदरिया क्या कर लेगी? कहा क्या है ये? बास्केटबॉल का कोर्ट है या खड़ा? सर सर एक दूसरे चीटिंग करके बास्केट की सर. ऊपर से मुझे बंदरिया कहती है ये. सर मैंने कोई चीटिंग नहीं की, ये कैप्टन होने के बावजूद भी मेरा बास्केट नहीं रोक पाए तो जल रही है. सर सर नहीं सर सर कुछ भी हो प्रीति, लेकिन तुम्हें टीना पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था और इस तरह का इनडिसिप्लिन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा. आई एम सॉरी सर. सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी. सजा? सजा. और तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें इसी समय कप्तानी से हटाया जाता है और टूर्नामेंट के फाइनल में कप्तान तुम नहीं टीना होगी. पर सर मैं तो सर पर वर कुछ नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है और अब तुम सब घर जाओ. गेम डिसमिस. चल चल मैं आ रही हूँ. क्यों खत्म? कैप्टेंसी खत्म? मैं ये बेइज्जती भूलने वाली नहीं, इसका बदला मैं जरूर लूंगी, याद रखना. So girls, तुम सबको मालूम है कि इस संडे को इंटर कॉलेज बास्केटबॉल कप का फाइनल मैच है और तुम्हें यह भी मालूम है कि ये मैच एंजल्स कॉलेज की टीम के साथ होगा. सो पूरा जोर लगा दो, पट्टे चक दो. यस, अच्छे अच्छे टीम हराकर हम कप के फाइनल तक पहुंचे हैं. सबको दिखा दो कि चैंपियन कौन है. कम ऑन गर्ल्स, चीयर अप. नताशा ऐसा ही होगा, पिछले 3 साल की तरह इस बार हम ही कप जीत के आएंगे. दैट्स द स्पिरिट. लेकिन गर्ल्स याद रखें कि एंजल्स की टीम बहुत ही पावरफुल है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है उन्होंने. जिस तरह से उन्होंने विद्यालय की टीम को 47 के स्कोर से पीटा है, उनको हराना इतना आसान नहीं है. लेकिन उनकी भी एक कमजोरी है और उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें हराया जा सकता है. वो क्या? ये दोनों लड़कियां टीना और प्रीति, अगर ये साथ खेली तो ये मिलकर किसी भी टीम को हरा सकती हैं. लेकिन इन दोनों की यही ताकत टीम की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है. ये दोनों एक दूसरे को कभी बॉल पास नहीं करती. इन दोनों को सबसे ज्यादा परवाह ये है कि किसने किससे ज्यादा स्कोरिंग की है, यानी कि ये दोनों अपने अपने लिए खेलती हैं, टीम के लिए नहीं. और उनके इसी झगड़े का फायदा हम लोग उठाएंगे और उन्हें हराएंगे. एंजल्स की टीम बहुत ही फिट है, बहुत ही फुर्तीली और दौड़ने में हमसे कई तेज, लेकिन स्टैमिना में कम है. इसलिए इस बार हम मैच में थोड़ा नेगेटिव खेलेंगे. नेगेटिव? क्या मतलब? मतलब गर्ल टू गर्ल मार्किंग, यानी उनकी हर खिलाड़ी के पीछे हमारी एक खिलाड़ी होगी. उन्हें खुलकर खेलने ही ना दो. शुरू शुरू में तुम लोग खेल को बिल्कुल भूल जाओ, उन्हें थकाओ, उन्हें इतना थकाओ कि वो लोग गेम को भूल जाएं, यानी कि अपनी सारी ताकत उन्हें थकाने में लगा दो. इज इट क्लियर गर्ल्स? यस. सो ऑल द बेस्ट. संडे का मैच हम लोग जीतेंगे. सो मार्था गर्ल्स,
क्या बोलते हो? नताशा, जस्ट अ सेकंड, आई विल टॉक टू यू। कहीं उन लोगों ने भी हमारे खिलाफ कोई नेगेटिव प्लान बनाया हुआ तो? कर लेने दो जो करना है। मैच तो हम लोग ही जीतेंगे, फॉर श्योर। कैसे? टीना का इंतजाम मैंने कर दिया है। रात को भी इतनी प्रैक्टिस? अरे इतनी प्रैक्टिस तो कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी भी नहीं करता। तुम दोनों फिर से? कहा था ना अपनी मनहूस शक्लें दोबारा मत दिखाना। ओ टीना जी, जिंदगी में बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। 2 लाख कोई छोटी रकम नहीं है, फिर से सोच ले, समझी? तुम मुझे 2 लाख दो या 20 लाख, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगी। 2 लाख रुपए कमाने में काफी टाइम लगता है टीना। मालूम है, फिर भी इतना नखरा। तुम दोनों अपनी मनहूस शक्लें लेके यहाँ से चले जाओ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में मत कहना कि हमने समझाया नहीं। ए, मुझे धमकाने की कोशिश मत करना। And now, both of you, get lost. ये लोग फिर से आ गए परेशान करने के लिए। हाँ यार, I tell you, सुन टीना, तू ये छोटी छोटी बातों से परेशान मत हो। तू कल के फाइनल्स पे कॉन्सेंट्रेट कर। यू नो ना, तू अब सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, हमारी टीम की कैप्टन है। कैप्टन जानती हूँ यार, इसलिए थोड़ी नर्वस हूँ। ये कल का मैच मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ये मैच किसी भी हालत में जीतना पड़ेगा यार। हम जरूर जीतेंगे। और जीतने के बाद हमें मत भूल जाना। विजय, तुम? मैं? ये इतनी रात को यहाँ क्या लेने आए हो? टीना, टीना मैं तुमसे अपने टूटे हुए दिल का हाल बताने आया था। तुम और तुम्हारा टूटा दिल, ये तुम्हारे टूटे दिल के टुकड़ों में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। टीना प्लीज, टीना, क्या क्या हम दोनों फिर से दोस्त नहीं बन सकते? नहीं, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। प्लीज टीना, टीना ऐसे मत कहो। टीना मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। टीना 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 मेरी दोस्त को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने? दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ वरना मैं हल्ला मचाऊंगी। Just get lost! मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों को इस थप्पड़ का हिसाब चुकाना पड़ेगा। Oh, get lost! You okay? एंजल कॉलेज और मार्था कॉलेज के बीच में होने वाले इस फाइनल मैच में आप सबका स्वागत है। ये ट्रॉफी जो आप देख रहे हैं, जो टीम आज का मैच जीतेगी इस बेहतरीन कप को साथ ले जाएगी। और ये मैच शुरू हो गया और हम देख रहे हैं कि टीना बहुत ही खूबसूरती से मैच को ड्रिबल करते हुए लेके आगे बढ़ रही हैं। और मार्था कॉलेज के खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं। ये टीना ने पास दिया नेहा को, नेहा ने पास किया ज्योति को, और ये ज्योति ने बॉल फेंक दी बास्केट के लिए, और ये बास्केट, और यहाँ हमारा स्कोर होता है 3-0। Come on,
on girls, come here. ये क्या हो रहा है? This is a very bad play. मैंने तुम लोगों को क्या कहा था? टीना को बांधो. यार please, come on, be on him up. We have to win. Come on. बहुत ही मजेदार खेल हो रहा है यहाँ. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो रही है और ये देख रहे हैं माता टीम आगे आ रही है, लेकिन ये नेहा ने बॉल पास किया ज्योति को और ज्योति से बॉल टीना के हाथ में आ गई है और ये बॉल वापस माता के खिलाड़ी के हाथ में चली गई है और एक शानदार पास की तरफ से। प्रीति, क्या कर रही तू? डिफेंस नहीं कर सकती क्या? ए, मुझे मसी का समझी, जब मैंने कहा बॉल पास करने के लिए तब बॉल नहीं पास की, अब मुझे डिफेंस करने के लिए कह रही है। Listen guys, relax ya. गेम पे कॉन्सेंट्रेट करो, तमाशा मत खड़ा करो यहाँ सबके सामने। और यहाँ एक कांटे का टक्कर हो रहा है, दर्शक खेल का आनंद लेते हुए, बहुत ही मजेदार गेम है। और एक बार बॉल फिर टीना के हाथ में, अर्चना ने वापस टीना को दिया और ये टीना ने बॉल उछाल दी है और ये बास्केट। टीना उठो। टीना, सर टीना। टीना, टीना, सर प्लीज डू समथिंग, सर प्लीज डू समथिंग। माय गॉड, शी इज डेड सर। अरे सालों के सर, कमाल है। वैसे तो जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं आपके चेहरे पे 12 बजे होते हैं, आज ये इतनी मीठी सी मुस्कुराहट, हाँ बात क्या है? जाने दो, तुम नहीं समझोगे। अरे ऐसे कैसे जाने दे डॉक्टर साहब, कहीं आपकी गर्लफ्रेंड ने तो मैसेज नहीं भेजा है? तुम्हें कैसे मालूम? अरे इतने साल हो गए सीआईडी में, छोटी मोटी बातें तो पता चली जाती है। क्यों सर? सॉरी, बहुत हो गया, अब जल्दी से बताओ क्या लिखा है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने? वो अरे प्रद्युमन यार, तुम भी यार। अरे भाई वैसे आज सर इतने खुश इसलिए हैं क्योंकि अक्सर आप लोग हमारे पास लाश लेकर आते हैं, लेकिन आज सबसे पहले लाश हमें मिली और फिर आप लोग हमारे पास आए। ओह, तो ये वजह है आपकी खुशी की? खैर लाश कोई भी लेके आए सर, मकसद तो खूनी को ढूंढना है। लेकिन दोस्त इस बार खूनी को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। मैं कुछ समझा नहीं। टीना नाम है इस लड़की का, एंजल्स गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट थी और इसकी मौत बास्केटबॉल खेलते वक्त हुई। बास्केटबॉल खेलने से मौत हो गई? ऐसा केस तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। सर लेकिन इसकी मौत हुई कैसे? दिल की धड़कन रुक जाने की वजह से मरी। और दिल की धड़कन बिजली का झटका लगने की वजह से रुकी है। सारुखी, बास्केटबॉल खेलते वक्त बिजली का झटका, ये कैसे हो सकता है? बॉस इस लड़की का चेहरा देखिए, देखिए कैसा हल्का नीला और सफेद रंग का हो गया है, और ये तभी होता है जब किसी को बहुत भारी बिजली का झटका लगे। मगर ये तो जहर देने की वजह से भी हो सकता है ना? हाँ पड़ सकता है दया, लेकिन तुम इस लड़की का हाथ देखो, जला हुआ है। करेक्ट, जला हुआ है। और ऐसे हाथ तभी जलता है जब वो अचानक बिजली के करंट के कॉन्टेक्ट में आता है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बास्केट बॉल में ही करंट हो जिससे मैच खेला गया? नहीं फ्रेडी, अगर वैसे होता तो फिर बाकी के प्लेयर्स को भी झटका लग जाता, सिर्फ टीना को ही इलेक्ट्रिक का शॉक क्यों लगा? सर लगता है एक सोचा समझा मर्डर है सर, हमें वहां उस बास्केटबॉल कोर्ट में जाके देखना चाहिए जहां पे ये खून हुआ है, शायद वहीं से पता चलेगा ये बिजली का करंट आया तो आया कहां से। सर आप यहां के प्रिंसिपल हैं? जी। कैसे हुआ ये सब कोई बता सकता? पता नहीं सर, अच्छा खासा बास्केटबॉल का मैच चल रहा था, ना जाने बीच में क्या हुआ, टीना जैसे ही बास्केट करने गई नीचे गिर गई, एंड देन शी वाज नो मोर। हम बताते हैं क्या हुआ। टीना को बिजली का करंट लगा है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। क्या बिजली का करंट बास्केटबॉल कोर्ट में कैसे? हाँ यही सुन के तो हम लोग भी जाओ। सर ये देखिए सर, ये बास्केटबॉल मिला है,
इसी से मैच खेला गया था। इस पे ऐसा कुछ लगा हुआ नहीं है जिससे करंट लग सके। सर, अगर बास्केटबॉल में बिजली थी तो बाकी प्लेयर्स को करंट क्यों नहीं लगा, सिर्फ टीना को क्यों? इसीलिए तो हमें शक है, ये खून का मामला है। बिजली का करंट सिर्फ टीना को लगा, किसी और को नहीं। एग्जैक्टली। और ये टीना आखिर मरी कब? ये जरा आप दोबारा फिर से एक बार अच्छी तरह से सोच के बताना। सर वो मैं बॉल लेके बास्केट की तरफ बढ़ रही थी और मैंने टीना को बॉल पास की। और जैसे ही उसने बॉल बास्केट में डाली वो मर गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि करंट या इस बोर्ड में या रिंग में हो सकता है? विक, एक मिनट दे। प्रीति, ये कॉलेज की पावर सप्लाई तो बंद कर दी है ना? हाँ सर। ओके फाइन। रिंग पे लगाई गई है, ये देखो। बिजली का तार? ये गया कहाँ से होगा? ओहो, यहाँ से जा रहा है बाहर। काफी अच्छी तरह से सील किया है। तो बाहर जा रही है। पाइप के अंदर से ले गया है बाहर। यहां से लगाया गया उसे बिजली का करंट। रेडी, कॉलेज के सभी लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करो, कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। आप लोगों के कॉलेज में हो रहे बास्केटबॉल मैच में एक लड़की का खून हुआ है और ये एक बहुत ही सीरियस बात है और हमें शक है कि खूनी इसी कॉलेज में से कोई है। इसी कॉलेज में से आप इस टीम के कोच है ना? जी। कब से कोचिंग कर रहे हैं आप इन लड़कियों को? छह महीने से। तब तो काफी कुछ जानते होंगे आप इन लड़कियों के बारे में। हाँ, थोड़ा बहुत। आपको किसी पे शक है?
कौन कर सकता है ये काम? पता नहीं इसे शक कहना ठीक होगा कि नहीं, लेकिन मैच के पहले टीना का प्रीति के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और प्रीति ने टीना का गला दबाने की भी कोशिश की थी। सर ये क्या कह रहे हैं सर? सर खेलते वक्त तो ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं टीना का खून कर दूंगी सर। किस बात पे हुआ था तुम्हारा झगड़ा? उसे लगता था कि मैं इस टीम के कैप्टन बनने के लायक नहीं हूँ। और इतनी छोटी सी बात पे तुमने उसका गला दबाना शुरू कर दिया? आपकी तो बहुत अच्छी दोस्त थी ना टीना, तो फिर आपको तो जरूर पता होगा कि टीना का खून किसने किया। विजय ने किया होगा टीना का खून। विजय कौन है? वो टीना का एक्स बॉयफ्रेंड है। मैच से पिछली रात वो टीना को दोबारा मनाने भी आया था, पर क्या? पर मैच से पिछली रात तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहीं ये खून प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं हुआ है? ऐसे ही लगता है सर, जवान लड़कियों का खून ज्यादातर प्यार व्यार के चक्कर में होते। चलो इस ये से ही मिल लेते हैं। जी आप लोग किससे मिला है आपको? ये घर विजय का ही है ना? जी घर तो विजय का ही है, पर आप लोग? हम लोग CID से हैं। CID? आपकी तारीफ? मैं रक्षा, विजय की गर्लफ्रेंड। क्या? विजय की गर्लफ्रेंड रक्षा? हमें तो लगा कि विजय की गर्लफ्रेंड टीना है। क्या हुआ रक्षा, कौन आया है? कौन आया है ये बाद में पूछना, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी टीना नाम की कोई पहले गर्लफ्रेंड थी? टीना? कौन टीना? क्या कहा तुम? नहीं जानता। एक बार दोबारा कहना कि तुम टीना को नहीं जानते। हाँ, टीना मेरी गर्लफ्रेंड थी पहले। क्या तुमने तो मुझसे ये कहा था कि मैं तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड हूँ। मैं वो बताने ही वाला था। बताओ क्यों किया टीना का खून? क्या तुमने खून किया है? नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं रक्षा, ये लोग सच में झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम टीना को दोबारा प्रपोज करने गए, उसने नहीं बोल दिया और तुमने उसे मार दिया? मैंने टीना को नहीं मारा, और मैं टीना को क्यों मारूंगा? अरे मैं रक्षा से प्यार करता हूँ, मुझे पूरी जिंदगी इसके साथ बितानी है, तो मैं टीना को मार के अपनी हस्ती खेलती जिंदगी में क्यों आग लगाऊंगा? सर हो सकता है ये सच बोल रहा हूँ, टीना का खून सिर्फ मैच के बीच में हुआ था, तो शायद इस खून का कनेक्शन उस बास्केटबॉल मैच से हो सकता है, क्योंकि अब तक तो हम उन एंजल्स गर्ल्स कॉलेज वालों से पूछताछ कर रहे थे। ये भी तो हो सकता है कि दूसरी टीम वालों में से किसी ने किया हो ये काम। व्हाट नॉनसेंस ऑफिसर, आप हम लोगों पर खून का इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहे, सिर्फ खूनी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है एक मैच जीतने के लिए हम किसी का खून कर देंगे? हो सकता है आजकल छोटी छोटी बातों पे लोग खून करने लगे हैं। अगर टीना नहीं भी मरती तब भी हम वो मैच जीतने वाले थे, हमने उसका खून नहीं किया है। तुमने नहीं मारा है तो फिर किसने मारा है? टीना का इंतजाम मैंने कर लिया। क्यों ज्योति, कौन मार सकता है टीना को? किसी पर शक है तुम्हें? नहीं तो किसी पे भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ठीक है, अभी तो हम लोग चलते हैं, लेकिन बाद में परेशान करने फिर आएंगे। भाई अफसर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आपको किसी पे शक है? नताशा, क्या तुमको वाकई नहीं पता कि टीना का खून किसने किया है?
मुझे नहीं लगता कि टीना के खून में दूसरी टीम की किसी भी खिलाड़ी का कोई हाथ है। ये सारा किया धरा उस विजय का है। आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते सर? बिना ठोस सबूत के हम किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैंने उसे थप्पड़ मारा सर, वो अपने अपमान का बदला जरूर लेगा मुझसे। बिल्कुल डरो मत निहा, जब तक हम लोग हैं तुम्हारा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। सर क्यों? एक बुरी खबर है सर, मैं सीधे फॉरेंसिक लैब से आ रहा हूँ। बास्केट रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रिक वायर लगाई गई थी उस पर किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं मिले सर। किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं? नहीं सर। किस और भी उलझता जा रहे थे? बड़े अजीब ढंग से किया गया ये खून, और बड़ी प्लानिंग के साथ पिलर के रंग की वायर लाई गई और फिर पिलर और बास्केट के रिंग को लगाई गई। वायर तो लगाई थी पर ये शॉक, ये करंट सिर्फ टीना को ही कैसे लगा और किसी को कैसे नहीं? निया, तुम्हें विजय के अलावा और किसी पर शक है? कौन कर सकता है ये? जी नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है कि टीना का खून विजय ने ही किया है। फिर भी तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड थी तो तुम्हें मालूम होगा कि उसकी किस किस के साथ दोस्ती थी, दुश्मनी थी। हाँ जॉनी और जिनी, यस जॉनी और जिनी हो सकते हैं सर। है कौन ये जॉनी और जिनी? सर ये लोग बुकीज, आजकल छोटे छोटे मैचेस पे भी सट्टा लगाते हैं और ये लोग खिलाड़ियों को खरीदने की भी कोशिश करते हैं। मैच से पिछली रात को टीना से मिलने भी आए थे ये लोग, मगर टीना ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया था और इससे पहले भी कई बार उन्होंने टीना को खरीदने की कोशिश की है। तो तुम कह रही हो कि टीना ने उनकी ऑफर बार बार ठुकराने की वजह से उन्होंने टीना को? हो सकता है सर, एक दो बार उन्होंने टीना को धमके भरे SMS भी भेजे थे और तो और सर वो मैच वाले दिन कॉलेज भी आए थे। ये उन लोगों का काम हो सकता है सर। जॉनी और जिनी, इन दोनों के नंबर या एड्रेस है तुम्हारे पास? एड्रेस और नंबर तो नहीं है सर, मगर हम ये लोग छोटे मोटे मैचेस फिक्स करते हुए पाए गए हैं सर। कोई बात नहीं, फ्रेडी एक काम करो, पता करो शहर में कहां कहां पर मैचेस होने वाले हैं, ये दोनों सटोड़िए वहां पर जरूर आएंगे। कब से बल्ला घुमाया जा रहा है, एक चौका नहीं मरा अभी तक, वहां पे सेवक चौके और छक्के की बरसात कर रहे और हम लोग यहाँ बोरिंग मैच देख रहे। पता नहीं वो जॉनी और जिनी आएंगे कि नहीं। फ्रेडी यहाँ शहर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिकेट मैच होने वाला है और वो दोनों सटोरे यहाँ जरूर आएंगे सट्टा लगाने। लो मेहमान आ गया, चलो। क्या बात है तुम दोनों फिर से? हाँ, जब तक घी नहीं निकलती हम लोग उंगली टेढ़ी करना छोड़ते नहीं। मैंने एक बार कह दिया ना, कम से कम एक पेटी लगेगा, नहीं तो मेरा बैट जो बैठने वाला नहीं है, सीधे 100 रन बनेंगे। ओ मेरे भाई, जरा यहाँ ध्यान दे, अगर तूने सेंचुरी बनाया ना तो हम लोग को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो समझ जाना। ठीक है, दिया तुझे एक पेटी, लेकिन 10 रन से पहले आउट होने का क्या? ये ले पूरा एक पेटी है, गिन ले और याद रखना सिर्फ 10 रन, उसके ऊपर नहीं, समझा? 10 रन वो तो बहुत ज्यादा है, इन रुपयों के लिए तो मैं 0 पर भी आउट हो जाऊंगा। तेरी तो ये खिलाड़ी है यार, खड़े खड़े बिक गया, मैं अभी जाके सबको पकड़ लेता हूं। एक मिनट फ्रेडी, हर चीज का एक टाइम होता है, हम इन दोनों का पीछा करते हैं, देखे तो जरा इनका वो मैच फिक्सिंग का अड्डा कहाँ है। चलो उस क्रिकेटर को आज खरीद के आज की डील तो पक्की हुई, अब उसकी टीम को तो उसका भगवान भी नहीं बचा सकता। उसकी टीम को भगवान बचाएगा या नहीं ये तो नहीं मालूम, पर तुम्हें हमसे कौन बचाएगा?
कौन है तुम लोग? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है सीआईडी। सीआईडी? बहुत लग रहा सर, सर हमें माफ कर दो सर, सर मैं वापस जाके अपना पहले का ब्रोकर का धंधा शुरू करूंगा, लेकिन जिंदगी में कभी भी मैच फिक्सिंग नहीं करूंगा सर। सर मैं भी सर, सर मैं घर जाके किसी के घर में बर्तन धोऊंगी, झाड़ू कटका करूंगी, लेकिन ये गलत काम नहीं करूंगी सर, प्लीज सर। सर इनकी अकल तो बहुत जल्दी ठिकाने पे आ गई। सर बास्केटबॉल मैच की सीडी मिली है जिसमें टीना का खून हुआ था। अब सच सच बताओ क्यों मारा तुम लोगों ने टीना को? हाँ टीना का खून हमने किया? ये आप क्या कह रहे हैं? हम बुकीज हैं, हम खूनी नहीं हैं। तूने टीना को धमकी भरे एसएमएस भेजे थे ना? हाँ भेजे थे सर, भेजे थे, पर उन लोगों को सिर्फ डराने के लिए सर, डराने के लिए। हाँ सर हम सच कह रहे हैं, कितने प्लेयर्स हमारी ऑफर ठुकराते हैं, हम हर किसी का तो खून नहीं कर सकते ना। अगर तुम लोगों ने खून नहीं किया तो ये सीडी यहाँ पे क्या कर रही है? सर, सर जो इम्पोर्टेंट मैचेस रहते वो हम रिकॉर्ड कर लेते सर। क्यों क्यों रिकॉर्ड करते हो? जानने के लिए कि कौन सा प्लेयर अच्छा है और कौन सा बुरा, किसको खरीदने से फायदा होगा और किसको नहीं। सर हमें इस सीडी को देखना चाहिए, इस सीडी में जरूर कुछ ऐसा होगा जो हमें टीना के खूनी तक पहुँचा सके। वही लेके जाओ। जैसे ही टीना ने बास्केट में बॉल डाला सर, वैसे ही उसकी मौत हो गई सर। विक जरा फिर से दिखा। ये देखो दया, जैसे ही टीना ने बास्केट में बॉल डाला उसका हाथ बास्केट के रिंग पर लगा। विक जरा ज़ूम करो, टीना के हाथ पे भी, विक हाथ पे। अब यही से प्ले करो। हाँ सर, एक छोटा सा करंट जैसा कुछ हुआ सर, जरा फिर से चला। अब टीना के चेहरे पर जाओ, ज़ूम करो चेहरे पर। ये देखो टीना को करंट लगा है। सर इसका मतलब ये भी है कि उस वक्त कोई वहां बैठकर बिजली के करंट का स्विच ऑन ऑफ कर रहा था। और अगर वो आदमी वहां पे मौजूद था तो सर वो लोगों के बीच में बैठा हुआ दिखाई जरूर देगा। यू आर राइट दया। विक अब इस फ्रेम को पूरा वाइड करो ताकि हमें वो पब्लिक दिखाई दे जो मैच देख रहे हैं। एक मिनट फ्रीज करो। सर देखिए यहाँ इसके हाथ में कुछ है सर, जूम करो इसमें। रिमोट कंट्रोल, तो ये बात है। बिजली का करंट इस रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑन ऑफ किया गया। सर पर सिर्फ इसके जरिए हमें खूनी का पता कैसे चलेगा? इसका तो चेहरा भी नहीं दिख रहा है। सर इस हाथ को देखकर लगता है कि ये हाथ किसी लड़के का है सर। हाँ एक मिनट, ये अंगूठी जानी पहचानी सी है सर, ये अंगूठी मैंने पहले कहीं देखी है। अंगूठी देखी है? कहाँ पे दया, कहाँ पे? सर याद करो कहाँ पे देखी है अंगूठी? सर ये सर विजय, इस टीना का एक्स बॉयफ्रेंड विजय, ये अंगूठी मैंने उसके हाथ में देखी थी। अच्छा रिमोट का बटन
विजय ने दबाया था। आप लोग क्यों हमारी हस्ती खेलती जिंदगी में जहर घोलने पे लगे? मैं आप लोगों से कितनी बार कह चुका हूं कि टीना के खून में मेरा हाथ नहीं है। हाथ नहीं है, उंगली है। उंगली, ये उंगली, इस उंगली से दबाया था ना तुमने रिमोट का बटन, और इस उंगली पे ये वाली अंगूठी पहन रखी थी तुमने। हाँ, ये अंगूठी। हाँ, यही अंगूठी तुम्हारी है ना? क्यों? हाँ, अंगूठी मेरी है, लेकिन इस अंगूठी का खून से क्या लेना देना? अंगूठी से खून का क्या लेना देना? बस जिस आदमी ने टीना को मारा है उसने भी ऐसी अंगूठी पहन रखी थी जैसे कि तुम्हारे हाथ में है, समझे? हाँ, मैंने मॉरिशस से ऐसी दो अंगूठियां खरीदी थी, एक अपने लिए और एक। बोलो, दूसरी अंगूठी किसके लिए थी? हाँ? और एक टीना के लिए। टीना के लिए? रक्षा, रक्षा। अगर वो अंगूठी तुमने टीना के लिए लाई थी तो फिर वही अंगूठी उस आदमी के हाथ में कहां से आई जो रिमोट दबा रहा था? नेहा, नेहा टीना की सबसे अच्छी दोस्त, वही बताएगी। ऐसी ही अंगूठी विजय ने दी थी टीना को एज अ गिफ्ट। के बाद ये अंगूठी टीना ने किसी और को दे दी थी क्या? नहीं, जहाँ तक मुझे याद है ये अंगूठी टीना के पास ही थी, मगर क्या? सर, मगर मैच से दो दिन पहले ये अंगूठी चोरी हो गई थी। क्या? मैच से दो दिन पहले अंगूठी चोरी हो गई थी? जी। और ये चोरी हुई कहाँ से थी? टीना के रूम से। ठीक है, अभी आप जाइए, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुला लेंगे। जी। अभिजीत, अगर ये अंगूठी कमरे में ही थी तो ये चोरी कोई ऐसे आदमी कर सकता है जो कमरे में आसानी से आ जा सकता है ना, और ये खूनी कोई खिलाड़ी नहीं हो सकती क्योंकि खून देखने वालों के बीच में बैठ के किया गया। और एक बात है, टीना को मारने के लिए खूनी जब बिजली का इतना लंबा तार लगा रहा था तो किसी पर शक क्यों नहीं हुआ उस पर? इसका मतलब साफ है कि खूनी इस कॉलेज का ही कोई आदमी है। देखिए प्रिंसिपल साहब, एक बात तो साफ है कि टीना का खून आपके कॉलेज में से ही किसी ने किया है। आप ये इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? पहली बात, ये काम जिस किसी ने भी किया है, मेरा मतलब है वो वायर बास्केटबॉल कोर्ट से आपके कॉलेज के इलेक्ट्रिक बोर्ड पे जो कनेक्ट किया है, ये काम आपका कॉलेज का ही कोई आदमी कर सकता है। बाहर का कोई आदमी ये करे जरा मुश्किल लगता है। और दूसरी बात, खून किसी ऐसे आदमी ने किया है जिसने टीना की अंगूठी चुराई है। व्हाट? जी हाँ, तो आप जरा सोच कर बताइए कि आपके कॉलेज में कोई ऐसा आदमी है जिसने पहले भी कभी चोरी की है? ये क्या कह रहे हैं, हमारे कॉलेज में? देखिए, टीना की अंगूठी उसके कमरे से चोरी हुई थी और लड़कियों के कमरे में हर कोई तो घुस नहीं सकता, तो शायद कोई चपरासी, कोई प्यूनी होगा। अरे हाँ, एक राकेश नाम का प्यून है हमारे कॉलेज में जो पहले भी दो बार पकड़ा गया चोरी करते हुए। दो बार चोरी करते हुए पकड़ा गया था वो? जी हाँ, पर दोनों बार अपनी गरीबी का दुखड़ा रोने लगा, इसलिए हमने उसे वार्निंग देके छोड़ दिया, नौकरी से नहीं निकाला, और वो कॉलेज का छोटा मोटा इलेक्ट्रिक का काम भी कर लेता है। तो ये राकेश आसानी से आ जा सकता है लड़कियों के हॉस्टल के कमरों में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लड़कियों के कमरों की सफाई की जिम्मेदारी भी उसी की है। ओ, तो ये बात है, रहता कहाँ ये राकेश? उसे हमने कॉलेज के कैंपस में एक रूम दिया है। अरे इतनी रात में कौन आ गया? अरे आ रहा हूँ भाई, कमबख्त चैन से सोने भी नहीं देते। अरे आ रहा हूँ। रात में नींद खराब कर दी बोरी। कौन है भाई, दूध वाला आ गया क्या? अरे कोई नहीं है। अरे कौन है, अरे कौन है भाई? बिना वजह नींद खराब कर दी। चैन नहीं है क्या इन्हें?
छवा जिसने मेरी नींद खराब कर दी। अपना फोन तो भूले यहाँ पे, फोन तो ठीक ठाक है, कम से कम 2-3 हजार में तो बिक ही जाएगा। क्या बात है। मोबाइल फोन। अरे भाई साहब, भाई साहब आपने मेरा वो देखा, मेरा वो क्या बोलते मोबाइल फोन, ये कहीं गुम हो गया भाई साहब, प्लीज आपने देखा? नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो देखा ही नहीं, फोन तो रखा ही नहीं। क्या भाई साहब, फोन मिला क्या ना तुम्हारा? नहीं भाई साहब, अब तक नहीं मिला है। आप सीआईडी वाले हैं ना? हाँ, इसका मोबाइल फोन खो गया, उसी की तहकीकात कर रहे हैं हम लोग। ओह अच्छा अच्छा, तुमने देखा क्या इसका मोबाइल फोन? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। सर ये किसी चोर उचके काम होगा सर। सर आपको तो मालूम है ना शहर में कितनी चोरियां हो रही हैं, टाके पड़ रहे हैं सर। टेंशन मत लो, मिल जाएगा, एक मिनट फोन करके देखते हैं। सर किसी का फोन बज रहा है सर। फोन यहाँ आसपास ही बज रहा है। आसपास बज रहा है सर। आवाज आवाज शायद पीछे से आ रही है, एक मिनट एक मिनट। ये ना फोन तुम्हारा? यस सर, थैंक यू यस। चलो ये तो साबित हो गया तुम वाकई चोर हो। नहीं सर। अरे वाह, ये अंगूठी बहुत मस्त है यार। हाँ सर। कहाँ से खरीदी है? सर ये मैंने सर अब, 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 मैंने सर ये अरे क्या कर रहा है, चल अरे भाग यहाँ से। चलो ज्यादा भागने से पेट खराब हो जाता है, समझे? सर गलती हो गई सर माफ कर दीजिए, आइंदा कभी चोरी नहीं करूंगा सर। अब बताओ क्यों मारा तुमने टीना को? टीना को? हाँ टीना को क्यों मारा? सबूत है हमारे पास, समझे? सर पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था सर। सर मुझे सिर्फ रिमोट दबाने के लिए कहा गया था सर, मुझे नहीं मालूम था कि रिमोट दबाने से टीना की मौत हो जाएगी। सर गलती हो गई सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे 5 लाख रुपए मिले थे इस काम के लिए सर। शर्म नहीं आई तुम्हें? 5 लाख रुपए के लिए तुमने एक मासूम लड़की की जान ले ली? 5 लाख रुपए तुम्हें दिए किसने थे टीना को मारने के लिए? सर वो उसने एंजल्स और मार्था कॉलेज के बीच में होने वाले स्नी मैच में आप सभी का स्वागत है। पिछले रविवार खेले जाने वाले इस मैच में टीम एंजल्स के कैप्टन टीना की दुखद मौत के कारण रद्द कर दिया गया था, इसलिए आज ये दोनों टीमें टीना की याद में एक रीमैच खेलने जा रहे हैं। एंजल्स टीम की कप्तानी कर रही हैं टीना की खास दोस्त नेहा, और मार्था कॉलेज की कप्तानी कर रही हैं नताशा। और मैं चाहूंगा टीना की दोस्त नेहा सांत्वना व्यक्त करें। थैंक यू सर, मैं चाहूंगी कि हम लोग टीना की याद में 2 मिनट का मौन रखें। एक्सक्यूज मी, चलो ऑटो। एक मिनट मुझे लगता है कि ये मौन 5 मिनट बाद रखा जाए तो बेहतर हो। जी हाँ, हमने ये तय किया कि पहले खूनी को पकड़ लिया जाए, उसके बाद ही मौन रखा जाए। आप लोग? जी हाँ, हम लोग सोचा कि टीना के खूनी का पर्दाफाश कर ही दे। टीना का खूनी? क्या आप लोगों को पता चल गया कि टीना का खूनी कौन है? बिल्कुल, पर वो इस वक्त यही मौजूद है आप लोगों के बीच में। कौन है वो जिसने मेरी सबसे अच्छी दोस्त को मुझसे छीन लिया? बताते हैं,
पहले हमें लगा कि खून विजय ने किया है, फिर हमें जॉनी और जिनी पे शक हुआ जो कि बुकीज थे, और हम इस प्रीति को कैसे भूल सकते हैं जिसने सबके सामने टीना का गला दबा के उसे मारने की कोशिश की। क्यों? अगर आप लोग जानते हैं तो बताते क्यों नहीं? कौन है वो नागिन? बस बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू। शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी सबसे अच्छी सहेली को मौत के घाट उतारते हुए? गलती हो गई मुझसे, जलन के मारे हुए। जलती थी मैं टीना से, जलती थी मैं उससे। क्यों? जलती क्यों थी तुम उससे? पूरे कॉलेज में टीना ही सबसे ज्यादा पॉपुलर थी, सब लोग सिर्फ उसी को पूछते थे, और मैं तो सिर्फ उसकी परछाई बन के रह गई थी। तो थी तो तुम्हारी दोस्त थी ना? हाँ, लोग मुझे मेरे नाम से पहचानते ही नहीं थे। टीना की दोस्त कह के बुलाते थे। मेरी कोई पहचान ही नहीं रह गई थी। बस सिर्फ इसलिए खून करवाया तुमने टीना का? टीना के खिलाफ जो मेरे मन में जहर भरा हुआ था उसने मुझसे ये सब करवा दिया। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब तुम्हारे पश्चाताप से टीना वापस नहीं आएगी, सजा तो तुम्हें काटनी ही पड़ेगी। अपनी पहचान बनाना चाहती थी ये। बोलो, आज से लोग तुम्हें खूनी के नाम से पहचानेंगे। उम्र भर जेल में सड़ती रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक।